राजकुमारी जी, ये रहा घना जंगल। जी हाँ, यहीं पर थोड़ी देर हम प्यार भरी बातें करूंगी, इसके बाद घर चलेंगे। लेकिन कैसे? राजकुमारी जी सुनो मेरी बात, कितनी सुंदर दिख रही हो। क्यों नहीं, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं? आग लगी है और प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, प्रेमी कहानी शुरू हो रही है, प्रेमी दिल में यही मानी जगे है, के तू पानी जगे है, इस दिल में यही मानी जगे, शुरू हो रही है। कौन है? छगड़िया। छगड़ी यहाँ क्या करने लेकर आया है? छगड़िया हमार आज रात से गर्म पड़ी है बुजरी। आज रात से बुजरी हमका परेशान करे हम और भैया, तोरे हाथ जोड़ी कहूँ सांड देखे हो तो बताओ। कन्हैया लाल तू पागल हो गया है, इसलिए जो एक बकरी के लिए तू सांड को ढूंढ रहा है। काहे पागल हो गया? ये बता, इस बकरी के ऊपर सांड? यही तो हियर था भैया,
यही चाहिए दहन सार। इसलिए बुजरी आज रात से परेशान करे है, अब कयू खसी चढ़ेगा लेकिन बहुत खसी चढ़वा दे मोर भैया। ई बुजरी पे के चिल्लावे नहीं बंद होता है, रात से और परेशान करे है। ये बात है तो खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ जबर के पुरवा। जबर पुरवा जानते हो? सामने जबर के पुरवा है। जबर के पुरवा के सामने जो झील है, उसी झील में अच्छा बड़े बड़े सांड नदी किनारे। हाँ नदी किनारे चलो लेके जाओ, चलो चढ़वा दी बुजुर्ग। अंबर सिंह ये लोग यहाँ पर आया करेंगे, चलो हम तुम दूसरी तरफ चमेन के बगीचे की तरफ। ठीक है आओ चलते हैं। ये बात है तो हम बगीचे की तरफ चलते हैं, लेकिन कैसे? हम तुम्हें इतना प्यारी करे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करें। हम तुम्हें इतना प्यारी करेंगे, हम इतना प्यारी करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। लाल क्या हुआ, तू रो क्यों रहा? ओ भैया रो वाली बात ही नहीं है, तू बता दे हम नदी के तीरे चला जा हुआ तमाम सांड बात तो गेन वही नदी के तीरे छगड़ी खड़ी कही दे। फिर क्या हुआ? सड़वा आवा भैया एकदम सूंघी सांघी नहीं सार कुछ दूर पिछड़ा चला गया और ना ही तो आवा जैसे चढ़ा छगड़िया का ना ही गवा। हम कहने जुगाड़े नहीं लाग गेन नहीं कंपनी मालिक के से अच्छा रमेश बाबा के से गेन जबर पुरोस मांग के लेके आए ना बिंच अच्छा पिंचिया मांग के लेके आए तो छगड़िया को वही पे बांध है पिंच के ऊपर छगड़िया। हाँ वही पिंचिया के ऊपर भैया छगड़िया बांध है अच्छा सड़वा चढ़ा छगड़िया मर गई रे दैया। तो यहाँ क्या करने आया है भैया? बड़ा नुकसान होगा है तुम्हारे के घोसला वाहन ले लियो भैया चला ले लियो भाई बहुत नुकसान होगा। बदतमीज हम लोग इसका सेवन नहीं करते। तो यहाँ तेरा ये सामान बिकने वाला नहीं, जा किसी गांव में वहां पर बिक जाएगा। जाता जाता जो थोड़ा बहुत बचा बा
अब बम्मर के दे दिया ठीक है। हम भोले तो हम हर जाई, तुम बोलो तो तुम हर जाई। हम बोले तो हम हर जाई, तुम हर जाई। साथ जीने की कसम खाई, साथ मरने की कसम खाई। एक दूजे के दिल में रहेंगे, एक दूजे के दिल में रहेंगे। दिलों की हमें याद में चलकर हो, राजकुमार जी आओ कहिए चलिए। राम गणेश, क्या बताऊं अंबरवा का ये जादू का शीशा बड़े काम का है, और ये शीशा मेरी नजरों में गड़ गया है। अब मैं देश बंगाल नहीं जाऊंगा तब तक कि जब तक ये शीशा नहीं हासिल कर लूंगा। जब ये शीशा हासिल कर लूंगा शीशे के जरिए अपने अपमान का बदला चुकाऊंगा। अब मैं चल रहा हूँ, अपना भेष साधु का बनाऊंगा और इससे रास्ते में मुलाकात करूंगा, इसे बेहोशी का शरबत पिलाऊंगा। जब ये अंबरवा बेहोश हो जाएगा तब ये शीशा हासिल करूंगा, और जैसे किसने मुझे पटक पटक कर मारा है, इस अपमान का बदला ना चुका लिया तो मेरा नाम जादूगर सुखबीर सिंह नहीं। हेलो हेलो, हाय साथियों, गौर फरमाइएगा, आज राखी का त्योहार है। देखिए प्रताप सिंह कमरे में बैठकर अपने दिल में क्या सोच रहा है। कन्हैया लाल, हाँ भैया, आज कितने हमारे भक्त भारतवर्ष में पर्व उत्तम राखी का त्योहार है। सही है भैया, अगर आज हमारे कोई पहल होती तो आज हमारा हाथ राखी से कलाई सूनी नहीं होती। सही है भैया, यही बात के अफसोस हमारे इंतजार करो, हो सकत कौनो बहना इन जाए। I'm
अरमान दिल के सारे पूरे हुए आज, अरमान दिल के पूरे हुए। तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं भी अब से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं?